ये वन विहार में कैटरीना को बबेसिया की शिकायत हुई, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल है। इसके लिए क्या इलाज कर रहे हैं और बाकियों को संक्रमण ना हो उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, बाकियों को संक्रमण नहीं हो तो जो प्रोटोकॉल रहता है हमारे यहाँ हाउसिंग का, उन प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। बर्निंग की जा रही है, पानी को साफ रखा जा रहा है। इसके अलावा जो पुरानी जितनी चीज़ें थी उनकी बर्निंग की जा रही है, ताकि किसी तरह की कीटाणु में नहीं रह सकें। एनिमल्स को एक दूसरे से क्लोज में नहीं रखा जा रहा, पृथक रखा जा रहा है। खाना देने में उनका जो फीड है उसमें पूरी सावधानी बरती जा रही है। और जो मेडिसिन्स हैं जो पहले से प्रोटेक्शन के लिए दी जाती हैं, वो भी उनको उनके मटन में मिला के दी जा रही है। सर, बबेसिया ये चूंकि एक घरेलू पालतू जानवरों में होता है, उसमें एक मक्खी या एक टीक टाइप का, पिस्सू टाइप का होता है, उसकी वजह से, तो ये यहाँ कैसे पहुंचा? क्या वजह हो सकती है उसके यहाँ पहुंचने की? देखिए, ये सब जगह टिक्स जो हैं ये सब जगह पाए जाते हैं। विशेषकर ये पेट एनिमल्स में मिलते हैं, मगर पेट्स के साथ साथ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनमें भी मिलते हैं। अब वाइल्ड एनिमल्स में हमारे यहाँ हर्बीवोरा भी है काफ़ी मात्रा में, 1200-1300 हर्बीवोरा है। तो स्वाभाविक रूप से वो फ्री रेंजिंग एनिमल्स हैं, उनके भी होंगे। तो ये जहाँ भी जानवर रहेंगे, एनिमल रहेंगे, वहाँ इनकी संभावना बराबर बनी रहती है। और ऐसा कोई सिक्योर्ड सिस्टम नहीं है, कोई भी फूल प्रूफ सिस्टम कि आप टिक्स को 100% खत्म कर सकें। तो सर, अभी क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा बाघों को होता है, क्योंकि पैंथर से ज़्यादा या तेंदुए से ज़्यादा संवेदनशील बाघ होता है, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, जो इसकी एंटी ड्रग्स रहती हैं, जो रोकने के लिए प्रतिरोधक दवाएं रहती हैं, वो पहले से इनको दी जा रही हैं। और जो सफाई का प्रोटोकॉल होता है वो पूरी तरह से उस प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है।